है वाइन शॉप है ना। बैक टू माई चैनल। तो आज मैं काफ़ी देर के बाद कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैंने 3-4 महीने पहले वीडियो शूट की थी, और अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके देख ली, और अगर जिसने देखी भी है तो वो फिर से भी देख सकता है। तो आज मेरा कुछ प्लान ऐसा है कि आज मैं घूमने जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, तो मेरे दोस्त के साथ। तो अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और है भी संडे, संडे को ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती तो आराम से जाएंगे, और वीकडेज़ में तो आपको भी पता है कि बड़ी ट्रैफिक होती है। और आज प्लान है मेरा जाने का वेटलैंड। तो अगर वेटलैंड किसी को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ मतलब कि पानी ही रहता है, वहाँ पानी कभी सूखता नहीं है। तो अब आप ये मत बोलना कि मेरे घर के पास तालाब है वहाँ भी पानी नहीं सूखता है तो वहाँ आ जा देखने, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वेटलैंड में एक और चीज़ होती है जो कि है वहाँ पर माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं ना, वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो अलग अलग प्रजातियों के आते हैं, तो हम उन्हें भी देख सकते हैं। तो वैसे कल बारिश हुई थी, अब मेरे को पता नहीं है कि वहाँ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चलते हैं देख आते हैं, नहीं होंगे तो फिर आपको कहीं और ले चलेंगे। फिर मिलते हैं, अभी अपने दोस्त के पास जाते हैं फिर वहाँ। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने दोस्त के पास आदित्य, उससे आपको मैं मिलाता हूँ। तो ये है मेरा दोस्त आदित्य, तो अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ से टाइम लगेगा कोई आधा घंटा और तो फिर हम पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं फिर, सर बैठो। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ आरएसपुरा, तो इससे ही थोड़ी आगे है, तो लेकिन मैं अभी यहाँ खड़ा था दुकान पे, तो दुकान पे कुछ लेने के लिए। तो अभी मैंने एक चीज़ देखी, आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने है वाइन शॉप, ठीक है, और ये भाई लोग ऐसे पड़े हुए हैं। ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए और घर बैठ के पीनी चाहिए, बाहर बैठ के ऐसे रोड में गिर जाता तो दिक्कत हो जाती ज़्यादा। उस साइड पे पता नहीं किसी ने रखा है या नहीं, लेकिन मैंने अभी देखा। तो एक सोशल मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं हम कि पियो घर बैठ के, लेकिन बाहर नहीं। अभी हम ना निकल चुके हैं आरएसपुरा से, अभी हम आरएसपुरा से काफ़ी दूर आ चुके हैं और हवाई हमारे आगे जा रही है, ये तो ये हमें बताएंगे कि कहाँ पे जाना है। पार्किंग हमने कर दी है यहाँ, अब हम चल रहे हैं, वेटलैंड पहुँच गए हैं, देखते हैं कुछ है या नहीं है। है तो काफ़ी सारा दूर है लेकिन पास कोई नहीं है। ये बर्ड्स आ गए हैं और है तो काफ़ी सारे लेकिन है काफ़ी दूर हैं, तो हम देखेंगे इससे। ये क्या आपको पता ही है, दूरबीन, इसे देखेंगे अभी हम, आपको भी दिखाएंगे साथ में। अभी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि दूरबीन में से दिखाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। हाँ अब आया, तो ये है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ऐसे देखने में तो दूर से पता नहीं चल रहा था इतना, लेकिन काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है बर्ड्स के नाम जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे आते जाते रहते हैं और ये सब लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे जो अभी अभी हैं उनके इन्होंने ऐसे कॉपी सी बना दी है, ये हैं काफ़ी सारे हैं, देख लेना इनके, इन्होंने साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं दोनों तरफ। तो ये सारे तो नहीं दिखे मेरे को, लेकिन ये फर्स्ट वाला तो है यहाँ पे, ये वाला। अब नाम आप खुद ही पढ़ लेना। एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये पक्षी हैं ये ना जहाँ से हम देखते हैं वहाँ नहीं है, वहाँ से दूर है, अपोजिट एंड में है। तो अगर आप आओ अपना कैमरा ले आओ, क्योंकि जो यहाँ की दूरबीन है उसमें जूम तो होता नहीं है। मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा जिनकी बाहर ड्यूटी है, वो कह रहे कि यहाँ से ऊपर स्टेयर से ऊपर आ जाओ, और यहाँ शायद ऑब्जर्वेटरी बनाई है तो यहाँ से अच्छा दिख जाएगा। हाँ कुछ तो बना हुआ है, देखते हैं यहाँ से, पहले व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से अच्छा दिख रहा है वैसे, यहाँ तो आना चाहिए था, हम ऐसे ही पहले नीचे से देख रहे थे, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। तो और अब मैं आपको ऑब्जर्वेटरी दिखा देता हूँ अंदर जाके, तो क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। ये कुछ लिखा हुआ है,
जो जो शायद पक्षी आते हैं यहाँ। अच्छा है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कलर इसका काफ़ी अच्छा ना। ऐसे मेरे को यहाँ पे कोई नहीं दिखा, बाकी तो ऐसे दिखे वो, मैंने मेरे को लग रहा था मैंने पिछली बार भी देखे थे वो जब मैं आया था, एक बार आ चुका हूँ मैं पहले यहाँ पे। तो ये सारे हैं, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, जो बॉर्डर है वो बिल्कुल ये है, जहाँ पेड़ है उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो अभी हम आपको उनसे भी मिलाएंगे, सरहद पार के बंदों से, तो वहाँ चलते हैं आपको मिलाते हैं, फिर उनसे भी करते हैं दो दो हाथ, उनसे पूछते हैं क्या चक्कर है उनको। अभी हम गेट गए थे लेकिन वो बोल रहे हैं कि हेलमेट और बैग आप अंदर नहीं लेके जा सकते, तो हम यहाँ पे स्कूटी में डालने लाए हैं। अभी ये खुलती कैसे है, कैसे खुलती है, ये खुल गई, दबाना खुल गई। इसमें डालेंगे बैग और हाँ इधर ही रख देते हैं, फिर जुगाड़ लगा के बैग डाल, बैग में से सामान निकालते हैं। पहले लाइन में लगे हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेक होती है, उसके बाद हम आगे एंटर करने देंगे, चेकिंग चुकिंग करेंगे। अभी मैं आपको आसपास का व्यू तो नहीं दिखाऊंगा कुछ सिक्योरिटी रीजन से, और अभी इनसे पूछते हैं इनको कुंगली करने की क्यों आदत है। भाई तुम्हारा अपनी सरहद में दिखाएगा लेकिन उनकी जरूर दिखा सकता है ना। ये देखो उनका गेट है, लेकिन उनकी तरफ से कोई आया नहीं है, ऐसा कैसे डर गए हैं, डर गए हैं। आज मैं आया हूँ ना इसलिए डर गए हैं। आज संडे है तो काफ़ी रश है, तो परेड भी होनी है यहाँ पे शाम को, चार पाँच बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी अच्छी होती है, पता नहीं हम देखेंगे नहीं देखेंगे। अभी तो अंकल कहानियाँ सुना रहे थे क्योंकि वहाँ से तो कोई आया नहीं, और यहाँ वाले बंदे पूछ रहे थे कि वहाँ से क्यों नहीं आया कोई, तो अंकल कह रहे थे वो मेरे को कौन सा फ़ोन करके आते हो और तुम कौन सा मेरे को फ़ोन करके आए हो जो यहाँ पे मेरे को पूछ रहे हो। काफ़ी देर बाद कुछ लोग आए हैं, काफ़ी देर खड़े रहने के बाद कुछ लोग आए थे, तो बात नहीं कर सकते उनसे, हम बुलाएँगे अगर वो बुलाएँगे तो हम बुलाएँगे वरना नहीं बुलाएँगे। तो अब हम वापस आ गए, बड़ी देर उधर खड़ना भी आता, तो अब चल रहे हैं। ये देख लो, ये है किलोमीटर आरएसपुरा और जम्मू के, और पाकिस्तान की तरफ क्या वो भी बता देता हूँ। तो इधर है सियालकोट 11 किलोमीटर और लाहौर 141 किलोमीटर, और ये है जो यहाँ पे झंडा लगा हुआ है 131 फीट का। हाँ ये हमारी क्लास का सबसे गंदी राइटिंग वाला बच्चा था, देख लो ऐसा लिखा है। तो मोटार्स दिखाता हूँ मैं ना, मोटार बम बुलेट्स, तो यहाँ पे हैं पाक फायर बॉम्ब्स एंड बुलेट्स। तो ये हैं कुछ मोटार बॉम्ब अलग अलग, और ये तो शायद चला भी नहीं हुआ है, पता नहीं है मतलब। तो ये कुछ बुलेट्स भी हैं, तो अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो अंदर एक लगी एलईडी, और ये बनियाल टनल 1921 में ऐसी थी, और ये रेलवे स्टेशन भी था पहले रणवीर सिंहपुरा में आरएसपुरा में, और ये जो सियालकोट ट्रेन जाती थी यहाँ से, तो अभी वो पटरी नहीं है यहाँ पे, वो उतार दिए लोगों ने, ख़राब कर दिया, लेकिन पहले यहाँ से ट्रेन जाती थी सियालकोट। आ चुके हैं अब हम बाहर, पानी पी के और निकलते हैं अब घर को। टाइम अभी हो चुका है 4 बज चुके हैं, निकलते हैं। तो अभी खा के निकल चुके हैं और अब चलते हैं आदित्य को करते हैं ड्रॉप, फिर चलते हैं अपने घर। तो पहुंच चुके हैं इसके घर के बाहर, तो इसको करते हैं टाटा, टाटा सर, बाय बाय बाय। ठीक है फिर, ठीक है मिलते हैं फिर प्लान में, जब नेक्स्ट प्लान बनेगा फिर चलेंगे कहीं। तो मैं भी अब अकेला जाऊंगा घर पे, तो व्लॉग तो शूट करूंगा नहीं, तो इसी के साथ यही व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर किसी को पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।